सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज इस वीडियो में जानेंगे गेहूं सघनीकरण विधि के बारे में। यह एक गेहूं की खेती की तकनीक है जो कि कम भूमि वाले किसानों को विशेष रूप से लाभ देती है। गेहूं की खेती सामान्य रूप से अधिक केमिकल फर्टिलाइजर और प्रति हेक्टेयर लगभग 120 से 180 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, जबकि SWI यानी सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन एक हेक्टेयर में केवल 20 से 30 किलोग्राम बीज का उपयोग करता है। इसमें पंक्तियों के बीच 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। खाद और जैविक बीजों का उपयोग पौधों के तेजी से विकास में मदद करता है। पौधों के बीच पर्याप्त अंतर और एक जगह पर दो बीज बोना फसल की जड़ों को उपयुक्त नमी, पोषण एवं प्रकाश की सुविधा प्रदान करता है। पारंपरिक तरीकों में 3 से 4 बार सिंचाई से अधिक खर्चा होता है, लेकिन SWI यानी सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन में केवल 2 से 3 बार सिंचाई और कोनो वीडर के माध्यम से निराई करने पर श्रम और समय की बचत भी होती है। इस तकनीक को अपनाने से गेहूं की अनाज के उत्पादन में लगभग 91% तक की वृद्धि हो सकती है और उससे किसान की आय में भी वृद्धि होगी। तो यह गेहूं सघनीकरण विधि ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पाएं।